आज का हमारा विषय है डिड वी डिसेंड फ्रॉम ब्रांचेस टू बेंचेस, जिसमें हम प्राइमरली डिस्कस करेंगे कि जो डार्विन वाद है, डार्विन की थ्योरी है, क्या वो सही है। तो डार्विन ने तो 100 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए, ये थ्योरी दी थी। लेकिन और बहुत से लोग भले ही उसको जानते भी हों कि ये सही नहीं है, साइंटिफिक फील्ड में बहुत सारी चीज़ें क्लियरली प्रूव हुई हैं, लेकिन फिर भी डार्विनिज्म का इन्फ्लुएंस आज भी हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत गहरा है। हर लाइफ के हर स्फीयर में, इवन हमारे साइंस के टीचर्स, स्टूडेंट्स की तो बात छोड़िए, वो लोग भी नॉर्मली बड़ी आसानी से यही एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, पहले सब धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और एक समय था जब डायनासोर्स और एप्स, वहीं से हमारा उद्गम हुआ है। ये बिल्कुल एक ऐसा, इसको ऐसी स्ट्रॉन्ग मान्यता प्राप्त हो गई है कि भले ही डार्विन की जो थ्योरी थी, उसके जो उसने सोचे थे कि ये सब प्रमाण होंगे, वो कोई भी प्रमाण जो है वो सही अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, बल्कि उसके कॉन्ट्रैरी गलत होने के बहुत सारे प्रमाण मिले, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वो हमारे सबकी रगों रगों में घुस गया है कि लोग अभी भी उसको ही सही मानते हैं। इसलिए हम ये टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। और ये केवल ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक केवल बस एक साइंस का टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जिसकी रेलेवेंस केवल एक साइंस की क्लास तक ही सीमित है, एग्ज़ाम लिखने तक सीमित है, ऐसा नहीं है। इसकी जो रेलेवेंस है वो हम सबके जीवन में बहुत अधिक है। जैसे कि एक अर्नस्ट में हार्वर्ड प्रोफेसर ने बोला, नो बायोलॉजिस्ट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एंड मोर ड्रास्टिक मॉडिफिकेशंस ऑफ द एवरेज पर्सन्स वर्ल्ड व्यू देन चार्ल्स डार्विन। वर्ल्ड व्यू अर्थात पूरे समाज के प्रति, वो पूरे एग्जिस्टेंस के प्रति हमारी समझ क्या है, हु वी आर, वॉट इज़ अवर रिलेशनशिप विद दिस वर्ल्ड, Why we have come, from where we have come, where we will go, ऐसे सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, ये सब के बारे में डार्विन की जो थ्योरी थी, उसने इन सब प्रश्नों के प्रति जो हमारा नज़रिया है, वो सबको बहुत इन्फ्लुएंस किया है। और आप सोच सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इनको जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, वो कितनी इन्फ्लुएंशियल होगी, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तो इन्हीं फंडामेंटल चीज़ों पर ही तो चलती है। भले ही हम उसको बहुत, कभी हो सकता है आप में से कई लोगों ने बहुत ही डिस्टिंक्टली गहराई में ये प्रश्न ना किए हों, हम कहाँ से आते हैं, हम क्यों आते हैं, हमें क्या करना है यहाँ पर, व्हाट इज़ अवर रिलेशनशिप, जो भी है, लेकिन बिना इन प्रश्नों के कोई ना कोई उत्तर के तो हम जी नहीं सकते हैं, चाहे आप इसके ऊपर विचार किए हों कि नहीं किए हों, लेकिन वी ऑल इन द बैकग्राउंड, इन द बैक ऑफ आवर माइंड, वी ऑल हैव सम कंसेप्शन अबाउट व्हाई वी आर हेयर एंड व्हाट वी डू। नॉर्मली अगर कोई डिस्टिंक्टली इसके ऊपर विचार नहीं किया है, तो जो समाज का विचार है वही हमारा विचार बन जाता है, भेड़ चाल में जब सब चल रहे हैं, हम भी उस दिशा में चलते हैं। सो नॉर्मली पूरी सोसाइटी का यही है कि यस, वी आर हेयर एंड वी आर हेयर टू एन्जॉय, एंड आफ्टर डेथ का मतलब है सब कुछ वहाँ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए यही एक जीवन है, इसमें जितना हो सके एन्जॉय करो। और ये बिल्कुल हमको बचपन से यही चीज़ सुनने को मिलती है, यही चीज़ माता पिता से, सोसाइटी से, मीडिया से, सभी से, तो इसलिए हमें कभी कोई प्रश्न भी नहीं उठता है कि इसका ये भी क्या, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क भी है क्या इस विचार के ऊपर। हम तो बिल्कुल वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सभी लोग, तो इधर देखो तो वो भी यही सोचते हैं, इधर देखो तो वो भी यही सोचते हैं, ऊपर देखो तो भी यही सोचते हैं, सब लोग पीछे देखो तो यही सोचते हैं, तो फिर लगता है कि ये तो बिल्कुल एक्सियोमेटिक ट्रुथ है। एक्सियोमेटिक ट्रुथ समझते हैं ना,
एक्सियोमेटिक अर्थात ऑब्वियस, टू ऑब्वियस टू ट्राई टू क्वेश्चन इट, इट्स जस्ट टू ऑब्वियस। जैसे सूरज निकलता है तो इट्स ऑब्वियस सूरज निकलता है। अभी कोई पूछे क्या प्रमाण है कि सूरज निकला हुआ है, अभी ये प्रश्न दिमाग में नहीं आएगा। प्रमाण यह सबके यहाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है आंखों से, इसमें प्रमाण क्या चाहिए? तो इसको एक्सियम कहते हैं। तो ऐसे ही ये जो सब्जेक्ट है कि वी आर हेयर टू एन्जॉय एंड एट डेथ एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, तो ये ऐसा एक बन गया है ऑब्वियस। अब आप कहेंगे कि नहीं, भारत में तो बहुत विशेष रूप से हिंदू लोग तो सब मानते ही हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन क्या हम में से हम लोग क्या गहराई से इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होता है? अगर कर रहे होते तो फिर हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें कुछ तैयारी करते ना अगले जीवन की। कौन करता है अगले जीवन की तैयारी? हमें तो कोई जानकारी भी हम पूरे जीवन में प्राप्त नहीं करते कि किस बेसिस पर अगला जीवन डिसाइड होगा। साइंस तो हम पढ़ते हैं बहुत सारे, कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करते हैं, लेकिन अगर अगला जीवन है वो इफेक्ट है तो उसका कॉज क्या होगा, किस बेस पर अगला लाइफ कौन सा मिलेगा वो डिसाइड होगा? ये प्रश्न फिर करना चाहिए। अगर रियली हम स्वीकार करते हैं कि अगला जीवन है तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आप देखिए लोगों के जीवन में क्या कोई ये प्रश्न कर रहा है, क्या इसके ऊपर खोज कर रहा है, क्या सोच रहा है? नहीं। तो इसका मतलब फैक्चुअली तो हार्डली कोई व्यक्ति है जो इस बात को समझ रहा है या इस बात को सोच रहा है गहराई से कि अगला जीवन है कि नहीं है। नॉर्मली चाहे हिंदू हैं चाहे बाकी सब लोग हैं, आजकल के समय में सब ने ही तो यही बात अपने हृदय में ली हुई है कि वी लिव फॉर वंस, और यही आपके पास है, इसमें जितना हो उतना आप एन्जॉय करो ये संसार को अपने सेंस ऑर्गन से। और इसी तरह से हमारा पूरा जीवन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अच्छी प्रेस्टीज होनी चाहिए। तो ये सभी हमारे ऑर्डिनरी सब लोगों का यही जीवन है, यही डायरेक्शन है। दैट शोज़ कि हम में से कोई भी इस विषय को हम ऑटोमेटिकली यही लेके चल रहे हैं कि वी आर दिस बॉडी, वी लिव फॉर वंस, देर इज़ नो सोल, एवरीथिंग इज़ जस्ट मटीरियल बॉडी और मटीरियल हैप्पीनेस जो हमें इस भौतिक जगत के अंदर प्राप्त होती है वही सब कुछ है, और मृत्यु पे सब खत्म होने वाली है, उससे पहले सब करो, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम सब भी डार्विन को एक्चुअली तो एक तरीके से स्वीकार करें, क्योंकि डार्विन ने क्या किया, जो एथिज्म है कि भगवान वगैरह कोई नहीं है, कोई सुपर नेचुरल कॉज नहीं है इस जगत के पीछे, इसको उसने एक साइंटिफिक रीजनिंग पहली बार दी। उससे पहले तक ये जो नॉशन है, ये जो विचार था कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके सारे फेनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई इस जगत के बाहर का कोई सोर्स, व्यक्ति, एनर्जी, ऐसे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। ये इस संसार को हम इस संसार की ही चीज़ों के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एथिज्म का एक रूट थिंकिंग है, क्योंकि भगवान का डेफिनेशन है समथिंग, समबडी हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, रादर ही इज़ अ क्रिएटर। क्रिएटर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ क्रिएशन, क्योंकि अगर ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिएशन दैट मीन्स ही इज नॉट द क्रिएटर। तो इसलिए नास्तिकवाद, निरीश्वरवाद, एथिज्म का ये फंडामेंटल उनकी एक उनका ये बिलीफ या उनकी एक्सेप्टेंस या अंडरस्टैंडिंग है कि देर इज़ नो सच पर्सन और सम फेनोमिना विच इज़ बियॉन्ड दिस एग्जिस्टेंस। इसलिए क्रिएटर इत्यादि जैसे ही बोलेंगे तो इसका मतलब समथिंग इज़ देयर बियॉन्ड दिस क्रिएशन। सो अगर वो ये बात मान रहे हैं या ऐसा बोलते हैं कि कोई भगवान इत्यादि कोई नहीं, इसका मतलब उनको ये वो उनको विश्वास है कि ये जगत की हर चीज़, हर फेनोमिना इसी जगत के अंदर के जो हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, जो चीज़ चल रही है उसी से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। आज नहीं कर पा रहे तो कल कर पाएंगे, यही कर पाएंगे क्योंकि यही सच्चाई है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? तो इसलिए उनका पूरा एंडेवर रहता है कि कोई भी फेनोमिना जो दिखे वी शुड बी
able to explain that in terms of simple physical and chemical laws that we are able to observe in the functioning of the material world. जो भी material world के जो simple laws हैं, laws of physics, laws of gravitation, these are very simple laws. वही सब simple laws ही एक साथ मिल करके इतने complex world को describe कर सकते हैं. World is complex. World is not simple. This human body is complex. Just this. Every organ is complex. आँख है very complex. लेकिन इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड और कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फेनोमिना हैं, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, यानी कि वो अल्टीमेटली जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है दैट अराइजेज दैट इज रूटेड इन वेरी सिंपल लॉज. ये एक साइंस मॉडर्न एथिस्टिक साइंस का ये एक बिलीफ है. इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म. That every complex thing can be reduced to a very simple phenomenon. इसलिए एक साइंटिस्ट ने बोला that a day will come when we will be able to write in a formula, as a formula, the creation, and then we can wear it on our t-shirt. Just you have to remember one formula and then you know everything about this world. Apply this formula and you will know everything. You can predict anything, है ना. ऐसा ये reductionism ये approach है. तो साइंट जो एथिस्टिक जो लोग थे वो ये सब उनके विचार चल रहे थे, लेकिन फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे कॉम्प्लेक्स फेनोमिना को, ये सब इतनी सारी स्पीसीज फॉर एग्जाम्पल, इतनी सारी ये जो वैरायटी है वो कैसे आई, कहाँ से, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना. तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, एक पॉसिबल साइंटिफिक दिखने वाला एक एक्सप्लेनेशन दिया, जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज, ये पार्ट उसने कंसिडर किया कि कॉम्प्लेक्स जो हम देख रहे हैं लाइफ फॉर्म्स, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो हम देख रहे हैं, हाउ दे कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए वेरी सिंपल लाइफ फॉर्म. रिडक्शनिज्म अगेन, वेरी सिंपल लाइफ फॉर्म से by application of simple laws of nature, automatically, just by those laws, it would have, ये जो है अपने आप evolve होकर के natural laws के द्वारा इतनी सारी variety बन गई होगी. ये कैसे हुआ होगा, उसने एक theory दी, possible explanation दिया, है ना, जिसकी वजह से अभी जो science था, atheistic science था, उसको एक बल मिल गया, there is a possible explanation. But still it was an explanation only. Till the time of Darwin, it was only a theory. Theory तो अपने आप में fact नहीं होता है ना. Theory तो केवल एक one of the possibility है, एक possibility. लेकिन possibility सच्चाई है कि नहीं है, उसके लिए तो आगे further investigation करना होगा, उस theory को rigorously test करना होगा, तब जा कर के वो theory जो है वो fact में convert होती है. लेकिन डार्विन की जो थ्योरी है, 150 साल के अंदर जो भी साइंस के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी से ही वो थ्योरी जो है, इट हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली टू बी प्रूव्ड एज फैक्ट. सो इट हैज़ जस्ट रिमेंड थ्योरी. लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, फिर भी इट हैज़ गॉट अ ग्रेट इम्पैक्ट. तो क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, जस्ट टू समराइज दोज थिंग्स. Vedic history is redefined to be not older than 5000 years. हमारे जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें कितना पुराना इतिहास मिलता है हमको, एनी आइडिया? 2000-5000 साल, बस बिलियंस ऑफ ईयर्स. 2-5 हज़ार साल का नहीं है हमारे वेदाज में तो ना. आई एम आस्किंग वेदाज स्क्रिप्चर्स में तो इट्स लाइक इमेमोरियल टाइम, इमेमोरियल वहाँ तक का हमको मिलता है. लेकिन जो मॉडर्न साइंस और एथिस्टिक साइंस है, डार्विन के आधार पर दे हैव रिड्यूस्ड कि वैदिक हिस्ट्री इज़ नॉट मोर देन 5000, क्योंकि
होमो सेपियंस सेपियंस का जो इवोल्यूशन उनके अनुसार है दैट इट सेल्फ इज पहले 50,000 था, अभी कुछ 1 लाख ईयर्स है ना। तो इस तरह से जब वो इवोल्यूशन करके और जो भी उनके डाटा जो भी हैं उसको देखते हैं तो क्योंकि वैदिक हिस्ट्री तो वो लोग मिथोलॉजी मानते हैं, क्योंकि अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है ना, एक में दिखाया है कि ये तो यूनिवर्स इज क्रिएटेड, बेसिस ही वही है, इट इज़ क्रिएटेड, इट इज़ नॉट समथिंग विच हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम नथिंग, इट इज़ क्रिएटेड। तो दे हैव टू काउंटरैक्ट दैट कि ये तो गलत है। तो उनका जो अपना वर्जन है उसके अनुसार बहुत अभी कुछ ही समय हुआ है इवोल्यूशन, अभी होमो सेपियंस सेपियंस और ये सब को आए हुए। तो इसलिए वैदिक हिस्ट्री इवॉल्व हुआ ह्यूमन बींग्स 1 लाख साल पहले, 50,000 1,000 साल तब तो ह्यूमन बींग्स कैसे थे, कुछ जानकारी नहीं थी, जंगल में और ऐसे ही जानवर खा रहे थे और उनके बड़े प्रिमिटिव टूल्स थे। अभी वेदों में देखते हैं तो वहाँ तो संस्कृत है, इतनी डेवलप्ड लैंग्वेज और इतना सारा विज्ञान है, तो वो तो डेवलप होते होते इवॉल्व होते होते कि वो तो अभी रिसेंट का ही काम होगा बस। सो देयरफॉर दे डेट इट वेरी रिसेंटली। अब उससे क्या हो गया कि हमारे अगर ये हिस्ट्री अगर ये है तो फिर हमारे सब लोगों को भी यही सिखाया गया कि वास्तव में वैदिक हिस्ट्री वो लिखा हुआ है वो तो सब कहानी है, मनगढ़ंत की, लाख साल पहले ऐसा हुआ, सतयुग था, त्रेता युग था, ये सब बकवास है। वास्तव में है क्या, ये सब अभी रिसेंट 2-3 हज़ार साल की बात है। और आर्यन इन्वेजन थ्योरी आ गई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का भी तो बेसिस यही है आपका डार्विन थ्योरी ही, क्योंकि इसी के अनुसार आर्यंस थे एशियन साउथ एशियन वहाँ से सेंट्रल एशिया से, वहाँ से वो लोग जो है माइग्रेट होकर के आए और यहाँ सिंध नदी, यहाँ के जो नेटिव लोग थे उन लोगों को उन्होंने हराया मारा और उसकी जगह ये लोग यहाँ पर बस गए है ना, मोहनजोदारो एंड ऑल दैट सिविलाइजेशन उन्होंने ख़त्म करके ये आ गए और उन्होंने ही वेद लिखे है ना। नेटिव जो इंडियंस थे वो तो सब मतलब बारबेरियंस थे, ये लोग जो आर्यंस आए उन लोगों ने ये कुछ उनको ही कुछ नॉलेज था, कुछ दे वर एडवांस्ड और वो लोग आए और फिर उन्होंने ये सब वेद लिखे, ऐसा करके वो हमको बताते हैं। और ये फिर आगे उसके बहुत सारे रेमिफिकेशंस हैं उसके कि जो नेटिव इंडियंस थे वो तो बारबेरियंस थे, तो अभी जो भी ट्राइब है ना सब ये ट्राइब्स वो हैं नेटिव इंडियंस और बाकी सारे जितने भी हैं वो सब तो वो आर्यन वाले हैं जो बाहर से आए थे, वो इंडियन नहीं है वो लोग, वो तो बाहर वाले हैं। तो इसलिए उन दोनों के अंदर आपस में दे आर क्रिएटिंग अ रिफ्ट कि जो ट्राइब्स हैं वो यहीं के लोग हैं और बाकी सारे जो हैं वो बाहर के हैं, तो इसलिए दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं कि ये लोग आए और देखो अभी आपको भगा दिया, आपको खाली कर दिया, सारी फैसिलिटी तो यही यूज़ कर रहे हैं। इसलिए लाइक दैट देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन विच गोज़ ऑन। देन वर्ल्ड हिस्ट्री हैज़ बीन रीडिफाइंड एंड timelines changed, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री भी उस प्रकार से सब redefined हुई है। वैदिक ट्रेडिशन हैज़ बीन रिजेक्टेड एज superstitious, बैकवर्ड एंड सब्जेक्ट टू अवर स्क्रूटनी है ना। तो जो भी हमारी कल्चर है, भारतीय संस्कृति है ना, तो भारतीय संस्कृति कोई ये तो एक नवीन संस्कृति, ये भी एक रिसेंटली है, ठीक है भारत के कुछ भाग में थी, ऐसा नहीं कि ये कोई एज ओल्ड है। और ये सब तो मिथोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रही है, यानी कि ये लोग जो वैदिक कल्चर है वो कैसे लोगों की कल्चर थी जिनको कुछ भी नहीं आता था, साइंस वहाँ कुछ थी नहीं, ऐसे लोगों की कल्चर है, तो इसलिए इट कैन बी इट शुड बी चेंज्ड। इसलिए जो आज आधुनिक कल्चर है वो फैल रही है सब जगह और उसको सपोर्ट करने के लिए ये हमें सबको सिखाया जाता है कि जो वैदिक कल्चर थी वो तो सुपरस्टिशन के ऊपर बेस्ड थी, कोई आसमान में कोई ये उड़ते हैं लोग, यहाँ आते हैं देवता हैं और ये हैं, ये सब मतलब कहानियाँ हैं सब बना दिया थी, तो इसलिए उनकी कल्चर थी ये सब। तो कल्चर भी वैसे ही बेकार है, जब उनका बेसिस ही मिथोलॉजी है तो उनकी कल्चर भी बेकार है, यूजलेस कल्चर है। तो लेकिन कल्चर वास्तव में किसकी है, वो जो वेस्ट में जो डेवलप हुई कल्चर जो हो रही है वो है रियल कल्चर। इसलिए लोगों के भले के लिए ज़रूरी है सब जगह की जो नेटिव कल्चर थी, क्योंकि वो तो सब पुराने वाली और बैकवर्ड लोगों की थी, इसलिए इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द टुडेज मॉडर्न कल्चर बिकॉज दिस इज़ रियल कल्चर, दिस इज़ द कल्चर ऑफ एडवांस्ड पीपल, ये जो प्रगत लोग हैं उनकी कल्चर है, बाकी सारी कल्चर तो पिछड़े लोगों की कल्चर थी। इस नाम पर
वो जस्टिफाई हो रहा है कि हर चीज़ नीड्स टू बी चेंज, हमारा पहनावा, हमारी खान पान, सोच, रिलेशनशिप, मैरिज, सोशल इंटरेक्शन, रोल्स, जेंडर रोल्स, एवरीथिंग नीड्स टू बी रीडिफाइंड। उसी प्रकार से अभी धीरे धीरे, हाँ, शादी शादी मतलब क्या है, अरे किसी स्त्री को किसी दूसरे साथ रहना है, संबंध रखना है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, लेट इट बी सो। फिर उसके मॉडर्न नाउ वी आर चेंज, वाह ये पूरी घिसी पिटी बात क्या कर रहे हैं, नया जमाने के साथ चलो। तो ऐसे करके क्या करके सब चीज़ें जो हैं वो हवा में उड़ रही हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा बदलाव, इससे कितने महत्वपूर्ण है ये इन्फ्लुएंसेस का। इसलिए हम इसको डिस्कशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है ये चीज। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्टेड मनु संहिता एंड अडॉप्टेड मॉडर्न मेटलिस्टिक आउटलुक। भारत आज़ाद हो गए, हम बोले हम आज़ाद हो गए, क्या आज़ाद हो गए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो वही उन्हीं के ऊपर आधारित कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारी पूरी राजनीति का तरीका, डेमोक्रेसी, एवरीथिंग इज जस्ट मॉडर्न आइडियाज़। और मनु संहिता को तो जलाया जाता है कॉलेजेस के अंदर, तो पुरानी है, तो बेकार है सब। करंटली ऑल्सो इंडिया इज डीपली अफेक्टेड बाई इट, एज इज एविडेंट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सत्यपाल सिंह रिसेंट स्टेटमेंट। दो तीन तीन चार साल पहले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर सत्यपाल सिंह ही पब्लिकली सेड दैट हमारे स्कूलों से ये डार्विन थ्योरी को हटा देना चाहिए क्योंकि ये तो गलत थ्योरी है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा भारतीयों ने किया था, भारतीय सारे साइंटिस्ट लोगों ने। फ्री सेक्स, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, डाइवोर्सेज, लिव इन रिलेशनशिप एट्सेट्रा आर द एडवर्स इफेक्ट्स। ये सब चीज़ें इसी की वजह से आ रही हैं, क्योंकि यदि डार्विन सही है और वैदिक कल्चर सब गलत है, तो वैदिक कल्चर की जितनी भी चीज़ें थी वो सब गलत हैं। तो आज फ्री सेक्स बहुत वाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेक्स, जस्ट लेट देम, लेट पीपल हैव सेक्स एज एंड वैन दे वॉन्ट विद हुम एवर दे वॉन्ट। इन दैट वे एनिमल्स आर ऑलरेडी मच मोर इवॉल्व देन अस, हम तो अभी इवॉल्व हो रहे हैं, वो तो हमसे बहुत पहले इवॉल्व हो चुके, वहाँ तो कभी भी रेस्ट्रिक्शन थी नहीं, तो उनके ट्री में वो पहले इवॉल्व हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ा देर में आए। एबॉर्शंस, वॉट इज द प्रॉब्लम इन एबॉर्शन, टिश्यू, एक एवरी वूमेन शुड हैव अ राइट अबाउट हर बॉडी, हाउ टू यूज हर बॉडी, करेक्ट। तो उसके बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डेवलप हो रहा है, तो टू रिजेक्ट द टिश्यू शी शुड हैव राइट, क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, बस वो टिश्यू अगर वूम से बाहर आ गया तो उसका अलग हो गया, फिर नहीं किल कर सकते उसको, फिर वो कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी वेस्टर्न कल्चर में क्या है, बच्चा है, आप बच्चे को माता पिता डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो उनको जेल हो जाएगी। लेकिन वो टिश्यू जब पेट के अंदर था तब उसका उसको मार भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह के बहुत ही एक अलग अलग प्रकार के थॉट्स जो हैं वो इस चीज़ से डेवलप हुए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, गुड एंड बैड एक्शन इज डिमोलिश्ड। पहले हमारी वैदिक संस्कृति में पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका बहुत विचार होता था। आजकल हमारी जनरेशन में, आप लोगों की जनरेशन में फर्दर, कोई भी हमसे बड़ा बूढ़ा बोलेगा बेटे ये ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अरे क्योंकि ये पाप है। अरे क्या ये पाप पुण्य है सब, किसने देखा, जो लॉजिक से दिख रहा है उस पर बात करो, दिख नहीं रहा है पाप पुण्य से क्या मतलब, यूजलेस, ये सब सुपरस्टिशन है। बस सिंपल सुपरस्टिशन कह के हमने सारे पाप पुण्य के विचार को सब हटा दिया। तो इस तरह से ये डार्विन का बहुत बड़ा महत्व। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे ये तो टेक्निकल। आप में से कितने लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एक दो तीन चार, बाकी सारे इंजीनियरिंग या कॉमर्स, करेक्ट, ठीक है। लेकिन कोई बहुत मुश्किल नहीं है डार्विन के इसको समझना, बहुत लेमैन की लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो यू विल सी दैट व्हाट इज डार्विनियन इवोल्यूशन। इसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा दो तीन बेसिक कंसेप्ट्स को समझने पड़ेंगे बायोलॉजी के। एक शब्द है बायोलॉजी का स्पीसीज, और एक शब्द है
variety. स्पीसीज एक वर्ड इंडिकेट करता है एक ऐसे ग्रुप, एक ऐसे जीवों के ग्रुप को जो लोग आपस में मेट कर सकते हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस बाई आफ्टर हैविंग सेक्स, दे कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स हु आर फर्टाइल. जो ऑफ स्प्रिंग खुद फर्दर दे कैन प्रोक्रिएट. अगर ऐसा कर पाते हैं तो वो एक ही स्पीसीज के भाग गिने जाते हैं. यानी कि अगर हमें डिफाइन करना है कि भाई ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, वो किस बेसिस पे होगा कि यदि ये दोनों लोगों के मेंबर आपस में अगर मेट करेंगे तो अगर या तो ऑफस्प्रिंग होएगा ही नहीं, और यदि हुआ तो इट विल बी इनफर्टाइल, वो फर्दर प्रोक्रिएट नहीं कर पाएगा. अगर ऐसा है तो वो अलग अलग स्पीसीज होंगी, ठीक है. और अगर वो आपस में फ्रीली दे कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, तो वो दे विल बी मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज. अब उस एक स्पीसीज के अंदर देयर कैन बी मैनी वेराइटीज. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया स्पीसीज का, काउ एंड डॉग, दे आर टू डिफरेंट स्पीसीज. अगर काउ और डॉग दे कैन नॉट मेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है. तो इसलिए काउ और डॉग अलग अलग स्पीसीज हो गई, डॉग एंड कैट अलग अलग स्पीसीज हो गई. लेकिन वेराइटी, जैसे डॉग के अंदर अलग अलग वेराइटी मिलती हैं, बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, ऐसे अलग अलग उनकी कुत्तों की हाइट अलग अलग है, उनका लेंथ अलग अलग है, उनका बिहेवियर अलग अलग है, कलर अलग अलग है, लेकिन वो सब आपस में मेट कर सकते हैं. जैसे ह्यूमन होमो सेपियंस, सेपियंस के अंदर आप अमेरिकन्स हैं, रशियंस हैं, इंडियंस हैं, दे ऑल वन स्पीसीज, दे कैन मेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. लेकिन वो अलग अलग वैरायटी हो सकती है उनके अंदर, है ना, वो वैरायटी है. किसी का वेस्टर्नर्स दे हैव टॉल बॉडी, स्किन कलर अलग है, आँखों का रंग अलग है. तो ये सब वैरायटी की वजह से अलग अलग है, लेकिन दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज. इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके. सो व्हाट डार्विन प्रपोज कि ओके, आई विल पुट दिस. एनवायरमेंटल प्रेशर ऑन मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज प्रोड्यूस वैराइटीज इन मेंबर्स ऑफ स्पीसीज. क्या अर्थ है? मान लीजिए एक स्पीसीज के कई सारे मेंबर्स एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है. अभी एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेस या प्रेडेटर्स, उनको कोई खाने वाले हैं, ऐसा करके वो सब प्रेशर उनके ऊपर पड़ते रहते हैं, हम सबके ऊपर पड़ते रहते हैं, है ना. उन प्रेशर्स की वजह से जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कुछ कुछ एक्वायर्ड ट्रेट्स आते हैं. जैसे कोई आदमी यदि रेगुलर जिम जा रहा है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ चेंज इन हिम, इन हिज बॉडी? मसल्स डेवलप हो जाएंगे, जो वो एक्सरसाइज कर रहा है वो मसल्स डेवलप हो जाएंगे, करेक्ट. तो ये एग्जांपल है. अभी एक वो वॉलंटरली वो प्रेशर पड़ा, वो हर रोज जिम जाता था, उसने वो पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइज की, तो ये प्रेशर उसके ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो मसल्स हैं वो डेवलप हो गए, है ना. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन व्हाट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट. ये ट्रेट जो है इसी जीवन में हमने एक्वायर की है, ठीक है. ये हमारे जीन्स में नहीं है. अगर कोई पिताजी पिता एक जवान जिम जाता था, उसकी बॉडी हो गई बहुत अच्छी, तो डू वी एक्सपेक्ट कि उसका जो बच्चा जन्म लेगा वो जन्म से ही उसकी मसल्स वैसी होंगी? नहीं होंगी. उसको खुद अपने आप जिम जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि भाई पिताजी हमारे जिम जाते थे इसलिए मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है.
क्योंकि वो जो मसल्स पिताजी की डेवलप हुई वो एक्वायर्ड ट्रेट थी, वो जीन्स में चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ये बात? अभी डार्विन के टाइम में जेनेटिक्स डेवलप हुई नहीं थी, डार्विन को जेनेटिक्स का कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने ये सोचा। उस समय तक उन लोगों का यही विचार था कि जो भी जीवन में हम लोग एनवायरमेंटल प्रेशर से जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, ये दे गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखिए फंडामेंटल यहीं एक सबसे बड़ा रॉन्ग सिद्ध हो गया। मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, एन ऑस्ट्रियन मंक, ही वॉज द पर्सन वेरी एट अराउंड दैट टाइम, सून आफ्टर डार्विन, ही फिक्स दिस लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फैक्टर्स, जिसकी वजह से सिद्ध हुआ कि साइंटिफिक कम्युनिटी में कि ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक हमारे सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स एक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए इत्यादि, वहाँ उनके वो जो मटेरियल है उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसी की नाक कितनी लंबी होगी, किसी की हाइट कैसी होगी, ऐसे अलग अलग उसकी वजह से जो ट्रेट्स डेवलप होते हैं, तो वो अगर जीन्स में कुछ चेंज होता है तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो चीज़ एक्वायर्ड ट्रेट है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई एक रशियन और इंडियन, इफ दे मेट एंड प्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे के अंदर जो उसका रंग होगा फॉर एग्जांपल, वो थोड़ा दोनों का मिक्सचर होगा, है ना? तो क्या हुआ कि जो वो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम जो हैं वो दोनों एग और स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों ऐड होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं कंपेयर टू द अदर बॉडी सेल्स। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स वो आपस में जब यूनाइट करते हैं तो आधा जेनेटिक मटीरियल मदर से आता है और आधा जेनेटिक मटीरियल फादर से आता है, इसलिए हम लोगों के अंदर हमारे माता पिता दोनों के करैक्टरिस्टिक्स कंबाइन होते हैं, ठीक है? तो इसलिए अगर तो ये जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होने की वजह से वो एक नया वो बनता है, ठीक है? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जीन्स में नहीं है वैसा ट्रेट जो हमने एक्वायर किया है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये पॉइंट क्लियर है ना? ओके, सो ये सबसे पहले उसका प्रपोजिशन था डार्विन वाद का, ये है कि एनवायरमेंटल प्रेशर पड़ने से जो एक स्पीसीज़ के लोग हैं उनमें बदलाव आता है, और वो बदलाव आता है, वो इतना बदलाव हो सकता है कि वो धीरे धीरे बदलाव होते होते पूरा एक नया स्पीसीज ही बन जाए, क्योंकि डार्विन को क्या एक्सप्लेन करना है, एक ही स्पीसीज से सारी स्पीसीज डेवलप हो गई, यानी स्पीसीज से चेंज होते होते नई स्पीसीज भी डेवलप हो गई। लेकिन ये एक क्लियर साइंटिफिक फैक्ट है, ऑनलाइन ऑफ हो गया था मुझे, हाँ ऑनलाइन ऑफ हो गया जा। तो जो चेंजेस भी जो होंगे मेटिंग से, आपने जैसा आप देखते हैं ब्रीडिंग करते हैं नस्ल सुधारने के लिए, है ना? तो उसमें आप जब ब्रीडिंग करते हैं अलग अलग, तो उसकी एक लिमिट है कि आप कितना उसमें चेंज कर सकते हैं ट्रेट्स को, आप कोई भी एक्सट्रीम तक उसको ले जा नहीं सकते। मान लीजिए ये है आम है, आम का एक साइज़ है, आप उसको आम के साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो बड़ा सबसे बड़ा आम है और सबसे छोटे वाले आम, दोनों का आपस में आप क्रॉस करते नहीं करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आम बड़ा होता जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये आम जो है वो तरबूज जैसा बन जाए, ठीक है? थोड़ा कुछ बड़ा होगा, वो लिमिट है उसकी, एक्स्ट्रॉर्डनरी उसे एक लिमिट है, लिमिट के बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं ब्रीडिंग कर करके, यानी जेनेटिक मटेरियल चेंज कर करके। क्योंकि ब्रीडिंग में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल रीशफल होता है, जैसे आप पत्ते नहीं ताश के पत्ते कैसे आप आपस में मिलाते हैं तो उससे नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना? है ना, बहुत सारे आप इसलिए उस पत्तों के जब खेलते हैं तो सब। लेकिन
ऐसा नहीं कि जो पत्ता है ही नहीं उसमें वो पत्ता आ जाएगा आपके हिलाने से. जो पत्ते हैं वही आपस में रिशफल हो सकते हैं, कोई नया पत्ता नहीं जोड़ सकता उसमें. तो उसी प्रकार से ये जेनेटिक मटेरियल को आपस में मेट करने से जो आप मिला रहे हैं उसी के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन जो ट्रेट है ही नहीं वो ट्रेट नया नहीं आ सकता उसमें, जैसे नया पत्ता नहीं आ सकता. तो आप अगर कुत्ते हैं और कुत्तों को आपस में आप ब्रीड कर रहे हैं, तो आप अगर 1000 साल तक भी इनको आपस में ब्रीड करेंगे तो बनेगा एक कुत्ता ही, बिल्ली नहीं बनेगी. कहने का तात्पर्य ये, क्योंकि बिल्ली के लिए बिल्कुल अलग ट्रेट है, वो जीन्स में है ही नहीं कुत्ते के. तो आप कुत्तों को आपस में मिलाने से बिल्ली का वो जीन्स कैसे आ जाएगा उसके अंदर. लेकिन डार्विन का बात क्या है, नहीं कुत्तों को करते करते रहने से बिल्ली छोड़ो आदमी भी आ जाएगा. ये है डार्विन बात कि हम जो आदमी हैं वो कैसे बने, कि सबसे पहले तो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया था, वहाँ से डार्विन ने शुरू किया. अब वो सिंगल सेल बैक्टीरिया कहाँ से आया वो दूसरे साइंटिस्ट का काम है. लेकिन डार्विन ने जो समझाना शुरू किया कि एक सेल से आगे की बात कहानी मैं लेके जाता हूँ, उससे पहले कोई दूसरा करेगा, वो स्टैनली मिलर ने किया उससे पहले वाला काम, स्टैनली मिलर केमिकल इवोल्यूशन. लेकिन डार्विन का काम था कि जब एक सेल आ गया उसके बाद क्या होता है. तो उसने फिर एक सेल से फिर दो सेल वाले, 4 सेल वाले, 8 सेल वाले, और फिर धीरे 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 जो है वो पहले कुछ ये सागर में मछलियाँ बनी पहले, और फिर मछलियाँ, और फिर मछलियाँ कुछ जो हैं वो वहाँ पर समुद्र में जो है खाना कम पड़ा तो धीरे धीरे तट पे आ गई खाना ढूंढते ढूंढते ढूंढते. ये प्रेशर है, एनवायरमेंटल प्रेशर, खाना नहीं मिल रहा है समुद्र में, तो वो लोग फिर वहाँ आ गए. तो उससे रेप्टाइल बन गए. रेप्टाइल मतलब जो रेंगते हैं, तैरते नहीं रेंगते हैं. तो उनको रेंगने की जरूरत पड़ी, तो उससे वो रेंगने वाले ऑर्गन डेवलप हो गए उनके अंदर, मछलियों के अंदर. अभी मछली से रेप्टाइल बन गए. फिर रेप्टाइल लोगों को खाने को मिल गया, क्योंकि ज़मीन पे तो अभी वनस्पति थी, वनस्पति भी ऐसे डेवलप हुई कहाँ से, वो अलग, वो भी हुई होगी कहीं वहीं से ही बैक्टीरिया से, वो अलग लाइन में डेवलप हो रही होगी. तो इधर से फिर वनस्पति रेप्टाइल खाते गए खाते गए. तो फिर एक समय आया कि नीचे की सारी वनस्पति खत्म हो गई, तो फिर भूख से चिल्लाने लगे. तो फिर उन्होंने जो है अपनी गर्दन उठाई और उठाने के लिए, भाई ऊपर वाला खाओ, ऐसे ऊपर उठाते गए उठाते गए, तो गर्दन लंबी होती गई, लंबी होते होते जिराफ बन गया. फिर वो जिराफ ने पेड़ सब खा लिए, ऊपर के सब खा लिए. तो अभी एक को खाना है, फिर 10 नीचे, फिर दूसरे चल के जाना है, इतनी बड़ी गर्दन भी हो गई, लंबा भी हो गया. तो फिर अभी जरूरत पड़ी कि भाई छलांग लगाई जाए एक पेड़ से सीधा दूसरे पेड़ पे. तो फिर वहाँ से वो जो है बंदर बन गया. अभी वो सीधा एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगा सकता है. ऐसे छलांग लगाते 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 फिर वो जो छलांग भी लगाता था, फिर कभी चलता भी था जब थक जाता, चलने में मज़ा आता था उसको. तो चलने के लिए फिर उसके वो 4 पैर पे चलते, जब चलने चलता था तो 4 पैर की जगह फिर उसके क्या हो गया, 2 पैर बन गए और 2 हाथ बन गए. ठीक है, तो ऐसे करके बंदर से हम बन गए. और फिर हम लोग पहले वो सब पत्थर से आग जलाते थे और हंटिंग करते थे, और फिर ऐसे करके धीरे धीरे फिर हमारी थोड़ी बुद्धि बढ़ी, तो फिर हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया जानवरों को मारने की जगह. और फिर एग्रीकल्चर करने के लिए टूल्स बनाने की बुद्धि आई हमारे अंदर. ये सब इवोल्यूशन हो रहा है. और फिर उसके बाद फिर हमने कपड़ा पहनना सीखा. पहले तो कपड़े तो पहनते ही थे, फिर हमारा और इवोल्यूशन हुआ, तो अभी हमारा फिर हमने कपड़ा पहनना सीखा. और फिर और ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया, तो फिर से कपड़े उतार दिए. अभी वापस बैक्टीरिया नहीं बन जाए. ये देखने की बात है, ऐसा नहीं होगा. एनीवे, थैंक्स टू मिस्टर डार्विन. तो इस तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सब लोग सब बंदर थे. आप लोग जब मंदिर जाते हैं तो पंडित जी पूछते हैं आप कौन से गोत्र से हैं. गोत्र मतलब समझते हैं आप, कौन से ऋषि मुनि से आपका लीनिएज जा रहा है.
लेकिन अगर आप डार्विन को मानते हैं तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए वहाँ पर पंडित जी को? कपी 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 गोत्र कपी मतलब बंदर, हमारा गोत्र है कपी गोत्र। ऋषि मुनि से हमारा कनेक्शन नहीं, हमारा बंदर से कनेक्शन। तो ये डार्विन का एक नटशेल में था, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट वैरायटी करके चेंज हुआ, मेंबर्स विद एडवांटेजियस ट्रेट्स लिव लॉन्गर एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स। समझ रहे हैं, जो जिनके अंदर वेरिएशन हुआ एनवायरमेंटल प्रेशर से, जैसे रेप्टाइल, जो मछलियां रेप्टाइल बन पाई, उनको खाना मिला, वो लंबे रह पाए, उन्होंने फिर प्रजनन किया। और जो मछलियों के अंदर वो रेप्टाइल नहीं बन पाए, हाथ मतलब उनके हाथ नहीं निकल पाए, तो वो लोग को खाना नहीं मिला तो मर गए, तो एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। अभी पते की एक बात और ये भी है कि इवोल्यूशन में एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी तो पहले वाली एक्सटिंक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके दूसरी चीज़ में इवॉल्व होने का कारण यही था ना कि वो पहले वाली के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो उसके लिए स्ट्रगल चल रही थी, जीना मुश्किल है, तभी तो दूसरी चीज़ इवॉल्व हुई। लेकिन बंदर भी हैं, हम भी हैं, दोनों भी हैं, मछलियाँ भी हैं, रेप्टाइल भी हैं, सब लोग साथ साथ में ही रह रहे हैं अभी भी। तो ये अगर ऐसा हुआ होता तो फिर वो एक्सटिंक्शन हो गया होता, एक्सटिंक्शन नहीं है, सब इतनी सारी वैरायटी अभी भी है। तो ये सब प्रश्न जो है वो हम लोग के लिए हैं, डार्विन के लिए नहीं थे। और फिर ये एक्वायर्ड ट्रेट्स एडवांटेजेस ट्रेट्स आर ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग्स, और इसको बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिर उससे जो है पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर इंक्रीजेस, फिर नेचुरल सेलेक्शन इसको बोलते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती गई, सिलेक्शन होता गया, इसको कुछ घटती गई, जो इवॉल्व नहीं हो रही हैं, जो नए नए ट्रेट्स नहीं आ रहे हैं फेवरेबल ट्रेट्स, वो एक्सटिंक्ट हो गई, और जिनमें फेवरेबल ट्रेट्स आ गए वो जी रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ट्रेट्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं, ऐसे करके नए ट्रेट्स वालों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, और फिर और नए ट्रेट्स, फिर और नए ट्रेट्स, और ऐसे करके नई स्पीसीज, और ऐसे करके धीरे 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 नई 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 वैरायटी आती जाएगी। ये ऐसे करके साइकिल चलती रहेगी, करोड़ों करोड़ों साल तक साइकिल चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, और उससे बैक्टीरिया से हम आज यहाँ पर इस क्लास में बैठ करके इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में क्लास सुन रहे हैं। और अभी भी हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, आज से 20 साल पहले इंटरनेट नहीं था, तो अभी इवोल्यूशन का ये प्रमाण है, ये एक और उसका प्रूफ है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं। पहले इंटरनेट नहीं था, पहले स्मार्टफोन नहीं था, वी आर बिकमिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर एज वी आर इवॉल्विंग। सो फोन्स आर बिकमिंग स्मार्टर एंड पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर इडियोटिक बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो इसीलिए एक और इससे बात क्या नई चीज हुई, वॉट एवर इज न्यू मस्ट बी बेटर देन ओल्ड, क्योंकि इवोल्यूशन, न्यू मीन्स इट्स अ समथिंग विच इज इवॉल्विंग, ठीक है। तो इस तरह से आज बहुत एंकरेजमेंट है, डू समथिंग न्यू, जो पिताजी ने किया वो तो करो ही मत, कुछ नया ही करना है, जो आज तक चला आ रहा है वो तो नहीं करना है कुछ नया, क्योंकि नया जैसे आपने किया इसका मतलब इट्स अ प्रूफ दैट यू आर इवॉल्विंग, और अगर आपने नया नहीं किया तो इसका मतलब यू आर नॉट इवॉल्विंग, यू विल गेट एक्सटिंक्ट, आप स्ट्रगल में रह नहीं पाओगे, करेक्ट। तो इसलिए डू समथिंग न्यू। तो अगर हमारे पेरेंट्स वो सब एक प्रकार के ड्रेस पहनते थे तो फैशन डिजाइनिंग में क्या नया, नया 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 करना है, भले वो नए में वापस रिवॉल्व होकर वहीं आ जाए, लेकिन होना चाहिए वो नया 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 नया। सो इसलिए आजकल एक बहुत बड़ा सबके अंदर घुसा हुआ है कि हमें जो है जो भी हमारी जनरेशन पहले करती थी वैसा तो कम से कम नहीं करना है, कुछ उससे अलग ही करना है, और ऐसे करके हमने बहुत सारी नई नई समस्याएं अपने ऊपर लाद ली हैं नया नया करने के चक्कर में, क्योंकि जो हजारों साल से प्रैक्टिस चली आ रही थी दे वर टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस, लेकिन नया करने के चक्कर में हमने उन सबको हजारों साल की जो नॉलेज स्टोर थी वो सब हमने फेंक दी कूड़ेदान में, और नया तो हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, नया नया कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कैसे ये डेंजरस है ब्लाइंडली ऐसे फॉलो करना। तो इस तरह से ये नई स्पीसीज आती हैं ऐसा उसने बोला, और इसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो गड़बड़ क्या है यहाँ पर कि डार्विन गलत था, बिकॉज
पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से पहले तो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए. नेचर टू सेलेक्ट देयर हैज टू बी फर्स्ट अराइवल डिफरेंसेस. लेकिन डिफरेंस ही लिमिटेड है, अनलिमिटेड डिफरेंसेस नहीं हो सकते हैं, मैंने पॉइंट पहले बोला. और अलग अलग स्पीसीज नहीं बन सकती हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है. और जब जेनेटिक्स, अभी साइंटिस्ट ने न्यू डार्विनिज्म में कहा है कि भाई वो तो साइंस, डार्विन को तो चलो नहीं पता थी जेनेटिक्स की, आज हमको जेनेटिक्स की पता है. लेकिन अभी भी डार्विनिज्म है इन द फॉर्म ऑफ न्यू डार्विनिज्म. सो न्यू डार्विनिज्म क्या है कि जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस. मैंने बताया आपको कि अभी हम ये तो जानते हैं कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है. तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जेनेटिक मटेरियल भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, इसको बोलते हैं रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन. अपने आप रैंडम विदाउट एनी फिक्स्ड प्रोग्राम इट चेंजेस. तो अभी न्यू डार्विनिज्म के अनुसार रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन, कि कुछ रैंडम हो रहा है इसलिए. लेकिन जहाँ रैंडम हुआ वहाँ पर जो डार्विन का सिद्धांत था वो बड़ा वीक हो गया, क्योंकि डार्विन के अनुसार तो एनवायरनमेंट जो प्रेशर पड़ा था, जब खाना ख़त्म हुआ रेप्टाइल्स का, तब जाकर के उन्होंने गर्दन उठाई और तब गर्दन जो है बड़ी हुई. क्लियर कट लिंक था कि खाना इधर कम हुआ, प्रेशर पड़ा और उससे गर्दन लंबी हो गई. लेकिन मान लीजिए अभी रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन है ना, रैंडम में तो कोई कारण नहीं होगा कि इसकी वजह से ये हुआ. रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, गर्दन लंबी भी हो सकती है, गर्दन ख़त्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो फिर सिलेक्शन कहाँ कौन किसका करेगा, सब रैंडम हो गया. सिलेक्शन तो तब होगा ना जब एडवांटेजियस चेंजेस होंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा. भाई गर्दन लंबी होने से एडवांटेज है कि ऊपर का भी खा सकते हैं, तब वो जो लंबी गर्दन वाले हैं वो ज़्यादा लंबे जिएंगे. लेकिन अगर लंबी गर्दन की जगह मान लीजिए उसकी आँख बड़ी हो गई तो उससे क्या लाभ होगा, है ना. तो वीक हो गया, ये पूरा प्रिंसिपल वीक हो गया. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है डार्विन के सामने, न्यू डार्विनिज्म के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है. तो अभी इससे नेचुरल सिलेक्शन भी गलत हो गया, और इसलिए वास्तव में ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये अपने आप में गलत है, ये गलत सिद्ध हुआ है, ये साइंस की दृष्टि से इट इज़ नॉट अप्रूव्ड फैक्ट. लेकिन हमारी साइंस की किताबों में, जो बायोलॉजी के आप स्टूडेंट्स हैं, आपने ये वाला हेकल्स का डायग्राम पढ़ा होगा, जाना पहचान दिख रहा है. तो इसमें ये दिखाया इन्होंने कि अलग अलग स्पीसीज के एम्ब्रियो को आप लेंगे वो सब एक जैसे दिखते हैं. तो इसका मतलब सबकी जड़ एक ही है, सब एक ही जगह से इवॉल्व हुए हैं, है ना. ये उनके इस डायग्राम का ये अर्थ है. एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जब सबसे पहले जो फॉर्म हम एग और स्पर्म यूनाइट होते हैं, तब जो सबसे पहले की जो स्टेज होती है एम्ब्रियो बनता है. तो ये एम्ब्रियो फिश का एम्ब्रियो या ह्यूमन बींग का, आप सबसे इधर जो ह्यूमन बींग का एम्ब्रियो है, उधर फिश का एम्ब्रियो, ऐसे सब अलग अलग एम्ब्रियो लिए हैं. और उन्होंने दिखाया कि देखो एम्ब्रियो सबसे ऊपर तो वो सब एक जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है. फिर धीरे धीरे नेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर शुरू हुआ, और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो अंतर ज़्यादा बढ़ गया. तो यानी कि जैसे जैसे हम इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन हमारे अंदर भी दिख रहा है, एम्ब्रियो से लेकर के पूरा बाहर जब हम माँ के गर्भ से आते हैं, तो वो एक एम्ब्रियो, वो जो इवोल्यूशन है वो उसका दिख रहा है, वो हमारे अंदर होता हुआ, समझ रहे. तो एम्ब्रियो सब एक जैसे हैं. लेकिन बाद में पता चला कि ये डायग्राम तो गलत डायग्राम है, हाथ से बनाया हुआ था. अभी जब हमारे पास माइक्रोस्कोप आए, सब देखा, तो ये तो डायग्राम ही गलत है, ऐसा ही नहीं, एम्ब्रियो में ही बनता है बहुत सारा. और एक्चुअली ये जो चीज़ थी ये तब भी पता थी जब ये पिक्चर बनाई गई हैकल के द्वारा, तभी भी ये उस समय भी पता था साइंटिस्ट को कि ये ऐसा नहीं है. लेकिन कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे तो एक जैसे ही हैं, सबको तो एक ही साथ में ही काम है. और ये नेचुरली होता है, क्योंकि उनके मन में बैठा हुआ है कि ये सही तो है, ठीक है डायग्राम ऐसा नहीं है, तो कल को पता चल जाएगा डायग्राम कुछ होगा, कुछ हमें ठीक हो जाएगा, लेकिन है तो ये बात सही. तो इसलिए वो क्लिक नहीं करता है कि ये आई डायग्राम ही गलत है, आपका बेसिस ही गलत है. लेकिन अंदर इतना बैठा हुआ है कि है तो ये सही, डार्विनवाद है तो सही, ठीक है ये डायग्राम कुछ होगा, इधर उधर हो गया होगा कुछ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है. फिर उसके बाद ये एक दिखाया, एक और डायग्राम हम देखते हैं. देखा ये भी जाना पहचाना डायग्राम कि कैसे एप से आदमी बन गया.
यानी वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें सबके रेमनेंट्स मिले हैं, हमने ज़मीन खोदी तो हमें ये वाला भी मिला, ये वाला मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, सब मिल गया है ना। तो कैसे लाइन से लाइन बिल्कुल बढ़िया डायग्राम में कैसे दिख रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो सबको पढ़ते रहे। हाँ, साइंटिस्ट बड़े बुद्धिमान है, सब पता लगा लेते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि बीच वाले तो गायब है ही नहीं, वहाँ पर ज़मीन के अंदर तो केवल डायग्राम में ही है। वो जो जो ज़मीन के अंदर जो वो बोलते हैं कि ये मिला, जब उसको टेस्ट किया म्यूज़ियम में से, जब उसको एनालाइज किया तो ये डायग्राम वाले नहीं था, वो तो सिर किसी का कहीं मिला था और धड़ कहीं मिला था, उन्होंने आपस में जोड़ दिया था क्योंकि उनको फिल्म पूरी करनी थी ना। क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर ऐसा आपको बीच में खाली रखेंगे तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे खाली करके, अगर हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा जगह जगह। ये शायद ऐसा हुआ लेकिन कैसे हुआ अभी भी हमको पता नहीं है, दो सेंटेंस बाद। और ये शायद ऐसा हुआ लेकिन अभी भी पता नहीं, इसमें बहुत कुछ है। तो किस चीज़ का एग्ज़ाम लेंगे वो लोग? हमारे टेक्स्ट बुक में कितनी बार शायद आया लिखिए, फिर एग्ज़ाम पेपर में ये पूछना पड़ेगा उनको, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव यूज्ड द वर्ड परहैप्स। तो ऐसे तो एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम में तो ऐसे ही बताना पड़ता है, हाउ दिस इवॉल्व इन टू दिट, वॉट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर, हाँ पिल्टाउन मैन, वेरी गुड, 100 marks पास, और डॉक्टर बन गए। अभी वापस जाके देखेंगे तो डॉक्टर तो वापस डिग्री वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि वो तो एक गलत नॉलेज थी वहाँ पर, उसके बेस पे वहाँ मिल गई, मतलब जो एग्जामिनर था उसी की नॉलेज गलत थी। करेक्ट, लेकिन हम सब पास हो गए, लाइफ भी चले गई, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। आप वो जो आज आपकी नॉलेज है, अगर मैं 47 years का हूँ, अगर जो मैंने पढ़ा था मैं आज वही एग्ज़ाम में लिख दूँ तो मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन उसी चीज़ को लिख करके मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन आज मैं लिख दूँगा तो फेल हो जाऊँगा। डिवोल्यूशन हो रहा है। सो एक ये बहुत अच्छी बुक है, आइकॉन्स ऑफ इवोल्यूशन। ये सब साइंटिस्ट लोगों के द्वारा लिखी गई है, ये लेमैन के द्वारा नहीं, ये सब बायोलॉजिस्ट और सब PhD और सब नोबेल लॉरिएट्स लोग हैं जो लोग ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि बस ये कुछ साधु लोग ये कर रहे हैं, बाकी साइंस है नहीं, साइंस के अंदर ही ये ग्रुप है जो क्लियर कट जो साइंटिफिक स्टडी से बोल रहा है कि ये डार्विनिज्म जो है अनप्रूव्ड है, ये गलत है। तो जितने भी डार्विन के लिए जो एविडेंस आज तक हमने एक्सप्लोर किए हैं, फॉसिल एविडेंस खोद खोद के जो निकाले हैं अंदर से, वो एविडेंस गलत सिद्ध हुए हैं। मॉलिकुलर एविडेंस गलत सिद्ध हुआ है, स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट जो हमें पूरा सिखाया गया कि कैसे गैस केमिकल से लाइफ क्रिएट हुई, वो एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी स्वीकार करता है कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट गलत था, पर हम तो पास हो गए एग्ज़ाम में लिख करके। डार्विन फिंचेस एक कहलाता है। तो फॉसिल एविडेंस की देखिए बात आती है, तो ये जो है ये पैलियंटोलॉजिस्ट है जो ये इसमें माहिर हैं इन चीज़ों में, वो लिख रहे हैं कि वी आर नाउ अबाउट 120 years आफ्टर डार्विन एंड नॉलेज ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड्स हैज़ बीन ग्रेटली एक्सपेंडेड, आयरोनिकली वी हैव इवन फेवर एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन दैन वी हैड इन डार्विन टाइम। इतना समय हो गया डार्विन टाइम में जो हम सोचते थे कि ये हमारे पास सबूत है, आज हमारे पास और कम सबूत हैं क्योंकि बहुत सारे गलत सिद्ध हो गए। फिर एक्सपेक्टेड ग्राफ एज पर इवोल्यूशन, अगर आप खोदेंगे नीचे, जैसे जैसे ऐसे आप नीचे जाएंगे, यानी कि नीचे खोदेंगे मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, तो सबसे जो नीचे जितना नीचे जाएंगे उतनी वो जो परत है वो नई परत होगी कि पुरानी परत होगी? पुरानी परत होगी। तो पुरानी परत में ज़्यादा वैरायटी मिलेगी स्पीसीज की या कम मिलेगी? कम मिलेगी, है ना। जैसे जैसे हम ऊपर के स्ट्रेटा में आएंगे वैसे वैसे ज़्यादा, तो ट्री बनना चाहिए। ट्री जैसे, ट्री कैसे होता है, एक स्टेम होती है, फिर दो ब्रांचेस, फिर दो से चार, चार से आठ, ऐसे ट्री बनता है ना। ऊपर वैरायटी है और नीचे एक है, तो यही चीज़ हमें दिखनी चाहिए जब हम खोदेंगे तो, है ना। सबसे नीचे की लेयर में एक, फिर धीरे धीरे दो, चार, दस, ऐसे करके, और ऊपर की लेयर में ज़्यादा, ऐसे ट्री दिखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 10 million, ये टाइम शुरू किया हमने, और ये जो 10 million साल तक कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। जो लेयर्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो लेयर्स 10 million साल के गैप की लेयर्स हैं, उसमें कोई जीव का रिकॉर्ड नहीं है। और अचानक 600 million years back, हाँ, अचानक एकदम से सारी की सारी वैरायटी
के फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं, यानी फॉसिल रिकॉर्ड ट्री नहीं दिखा रहा है, फॉसिल रिकॉर्ड क्या दिखा रहा है, एब्रप्ट 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 मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल वेराइटीज, नॉट कि वन वेराइटी देन टू वेराइटी देन फोर वेराइटी देन टेन वेराइटी, नो नॉट लाइक दैट। एक ये और बड़ी बुक है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, इसमें ऐसे ऐसे से प्रमाण दिए आर्कियोलॉजी के कि जो हम आज जो सब हम पढ़ रहे हैं किताब बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं 1,00,000 साल पुराने हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण हैं साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर जिसमें कि ह्यूमन बींग्स 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड ह्यूमन के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, है ना, लेकिन उनको हमारी बुक्स में नहीं दिखाया है। वो सब सोचते हैं कि ये कुछ हो गया, गलती हो गई कुछ, ये ऊपर का नीचे चला गया होगा समाओ, तो कुछ होगी ऐसे करके उसको फिल्टर करते हैं। तो ये पूरी एक बुक है, आप उसमें ये देख सकते हैं, जैसे 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड, 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो टूल्स हैं जो कि होमो सेपियंस सेपियनिस इसको बना सकता है, ऐसे 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सिमिलरली 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड फ्लावर वेस, एक फ्लावर वेस 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि फॉसिल रिकॉर्ड ये नहीं दिखाता है कि हम लोग अभी 50,000 साल पहले केवल उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। देन स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट, ये भी फिगर आपने देखी होगी अपनी बुक्स के अंदर, सो ही सिमुलेटेड अर्ली अर्थ एटमोसफियर, रिजल्टिंग एमिनो एसिड्स वर नॉट द राइट वंस फाउंड इन द लाइफ, ओनली राइट हैंडेड वर फाउंड, एमिनो एसिड्स रिमूव्ड आर्टिफिशियली फ्रॉम द एपरेटस, अल्टीमेटली एमिनो एसिड्स कुडंट फॉर्म प्रोटीन्स विदाउट डीएनए आरएनए प्रोटीन मैकेनिज्म, दस चिकन एंड एग प्रॉब्लम। आज ये हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल स्टफ है ये, लेकिन देखिए स्टैनली मिलर ने खुद क्या बोला, द ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज टर्नड आउट टू बी मच मोर डिफिकल्ट देन आई एंड मोस्ट अदर पीपल एनविजन्ड, जो हम सोच रहे थे कि आसानी से बस ये केमिकल से ऐसा लाइफ आ गई होगी, इतनी आसान नहीं है, ही इज़ एक्सेप्टिंग। लेकिन हमें तो बुक्स में हम यही पढ़े और ये एग्ज़ाम लिखे पास हो गए, जॉब लग गया, सब हो गया, मर भी गए कई लोग। दस मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स आउट टू द फैक्ट दैट लाइफ इज बियॉन्ड मैटर, तो कम से कम साइंटिफिक स्टडी से ही केवल हम बात कर रहे हैं अभी, उससे हम देख सकते हैं कि लाइफ को एक्सप्लेन करना, वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स को एक्सप्लेन करना जस्ट बेस्ड ऑन सिंपल इवोल्यूशन थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नेचर इज नॉट प्रूव्ड, रादर देर इज एवरी हिंट that the, on the contrary, we are still completely puzzled about how this variety has come into existence. Aaj bhi hamare samne life kya hai, life kaise aayi, science ke samne utne hi bade prashn aaj bhi hain jitne aaj se 300 saal pehle the. Humne bade hi aaj smartphone bana diye, humne aaj internet bana diya, to ek tarike se bahut pragati hai, no doubt, lekin jo fundamental questions hain uske prati ignorance hamari aaj bhi lagbhag utni hi hai जितनी 300 साल पहले थी, दैट्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो इसलिए हमारी जो डायरेक्शन है फंडामेंटल क्वेश्चंस, तो वो भी आज वही इग्नोरेंस है, इसका मतलब डायरेक्शन कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि फंडामेंटल हम जानकारी नहीं है हमको, वी आर स्टिल इन द इग्नोरेंस। सो देयरफॉर एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट इवन द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ फ्रॉम मैटर। तो यहाँ पर हम खत्म करेंगे आज का क्लास, आज की कक्षा। अभी वैदिक अकाउंट क्या है, वेदास क्या बोलते हैं, हाउ दिस वर्ड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो आगे के क्लासेस का विषय होगा, धीरे धीरे आप जानेंगे भगवद्गीता भागवतम हाउ व्हाट इज दैट हैपन। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू। आप चाहे तो 7:30 तक ले सकते हैं। ओके, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस नाउ। सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। हाँ, अभी पहले एक समय था कि जब साइंटिस्ट लोग हम ये सोचते थे कि जो अपेंडिक्स है वेस्टिजियल ऑर्गन है, और वो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या होता है कि वो इवोल्यूशन थ्योरी, इवोल्यूशन के अंदर पहले वो कभी यूजफुल रहा होगा हमारी कोई एक रूट फॉर्म में, तो अभी लेकिन वो वेस्टिज की तरह है, उसका कोई यूज़ नहीं है अभी। ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने देखा उसको दिख तो रहा नहीं हमने कोई, इसका कोई यूज़ है,
तो वो ग्लैंड भी निकाल देते थे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको निकाल देते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये वेस्टिजियल नहीं है, इनका बहुत बड़ा यूज़ है बॉडी के अंदर। अभी उस समय नहीं समझ में आया क्या यूज़ है, लेकिन यूज़ है अभी। तो ऐसे ही अभी हम बोल रहे हैं टेल बोन है अभी, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि पहले बंदर थे हम, बंदर की पूंछ थी, तो कनेक्शन जोड़ो कहीं, ऐसे दिख रहे तो कहीं होगा, है ना। तो उसका अर्थ नहीं है कि वो ये दिखा रहा है कि हमारी टेल थी, ठीक है, उसका अपना टेल शेप का जो भी शेप है उसका अपना यूज़ है इस समय, देयरफॉर इट इज़ देयर। हर एक बोन के साइज़ का उसका अपना शेप का अपना यूज़ है, दैट्स हाउ दिस होल बॉडी इज़ रनिंग। और ऐसा हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ आज हमें नहीं दिख रहा हो, समझ में नहीं आ, जैसे अपेंडिक्स पिट्यूटरी का, बट दैट डज नॉट मीन कि आज अगर यूज़ नहीं दिख रहा तो कोई यूज़ नहीं है। 10 साल बाद पता चलेगा, 20 साल बाद चलेगा, ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हैं। पहले हम सोचते थे ये ब्रेन का जो फंक्शन है क्या है, जैसे कार में होता है ना रेडिएटर, और वो एक ठंडा करता है ना, कूलेंट होता है, कूलेंट डालते हैं, तो पहले क्या समझते हैं, ब्रेन एक ऐसा होगा जिसमें ब्लड जाता है और ऐसे घूम घूम के ठंडा होता है, ये ब्रेन का काम है ठंडा करना ब्लड को, ठीक है। लेकिन अभी पता चला भाई ठंडा करना नहीं है, ब्रेन पूरी बॉडी को न्यूरॉन्स हैं और सब डायरेक्शन मिल रही है। तो ऐसे ही हमें लग सकता है कि आज हमको नहीं पता इसका यूज़ क्या है, दैट डज नॉट मीन कि उसका यूज़ नहीं है, आपको नहीं पता है आज हमें, हम बहुत छोटे हैं ये पहले स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साइंस की पूरी बैकग्राउंड ये है, वी आर सो ग्रेट दैट वी कैन नो एवरीथिंग आवर सेल्फ, एंड ऑन दिस बेसिस वी आर मैनिपुलेटिंग दिस वर्ल्ड। और परिणाम हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वी हैव क्रिएटेड, सच बिग प्रॉब्लम्स वी हैव क्रिएटेड, मैन मेड प्रॉब्लम्स कितनी हैं। क्योंकि हमको हमेशा ये लग रहा है कि आई नो एवरीथिंग, अगर इसका कोई यूज़ नहीं दिख रहा काट के फेंको, क्या बेकार है अगर ऐसा, सो दिस मेंटेलिटी इटसेल्फ इज रॉन्ग। प्रभु जी से आपने बताया कि ऐसे विकास नहीं हुआ है, तो जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में लिखा है कि चारों लोगों का उद्भव ब्रह्मा के ब्रेन से और भुजाओं से, ये वाले तरीके से हुआ है विकास हुआ है भगवान के द्वारा। अभी जब भगवान, जैसे आप कोई चीज़ बनाएंगे तो आप बनाएंगे वन बाई वन, एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, लेकिन है तो वो प्लैंड ना, एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, पर्पज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है, एंड ही मे ऑल्सो यूज़ कॉमन थिंग्स टू मेक डिफरेंट वराइटीज़। जैसे आज एक कार की कंपनी है, वो मान लीजिए 10 वैरायटी कार बनाती है, तो वो हर एक पुर्जा 10 प्रकार का बनाएगी, जरूरी नहीं है, ही विल यूज़ सम थिंग्स कॉमन। तो अगर सब लोगों के अंदर कुछ सिमिलैरिटी दिखती है कहीं, दैट डजंट मीन कि ये प्रूव करता है कि इवोल्यूशन हुआ है, दैट ऑल्सो शोज कि कैन शो कि एक व्यक्ति ने उसको बनाया है एंड ही हैज़ यूज सिमिलैरिटीज ऑल्सो। तो ऋग्वेद में अगर दिख रहा है, जैसे शास्त्र में वर्णन है, पहले भगवान ने या ब्रह्मा जी ने पहले इनकी उत्पत्ति की, उसका इसकी उत्पत्ति की, तो इवोल्यूशन उसमें बड़ा अंतर है। इवोल्यूशन मतलब किसी ने उत्पत्ति नहीं की अपने आप, अपना एक से दूसरी चीज़ बनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उत्पत्ति की है एक व्यक्ति ने, पहले इसकी उत्पत्ति की, फिर उसकी उत्पत्ति की, फिर उसकी उत्पत्ति की। तो ऐसे बहुत सारे धर्मों में अलग अलग सबके सिद्धांत है, एडम ईव्स का सिद्धांत है, मतलब हम वैदिक वाले हैं तो हमारा ब्रह्मा वाला सिद्धांत है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोलैप्स भी हो जाएगा सोसाइटी में, क्योंकि फिर अगर हम ये विज्ञान को अलग कर देंगे कि विज्ञान तो ऐसा हुआ नहीं है, तो फिर जो सभी धर्म है, जैसे कि बुद्ध ने कुछ अलग कहा है और बाकी जैनों ने अलग कहा है, फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहले मेल को बनाए कि फीमेल को बनाए, है ना, फिर मेल, तो ये सब एक मतलब आपको लगता है समाज में एक बहुत मतलब एक कोलैप्स फिर हो जाएगा, क्योंकि सभी धर्मों के सिद्धांत अलग अलग, दर्शन अलग अलग। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या करें, फिर कोलैप्स हो जाएगा तो इसलिए कुछ भी मान लेंगे, सार्वभौमिकता इसमें कुछ तो होगी ना, सत्य तो एक ही होगा, सार्वभौमिकता तो होगी इसमें, तो फिर अलग अलग क्यों बोल रहे हैं फिर, वही तो फिर तो हमें ढूंढना होगा कि इनमें सत्य कौन सा है। जी प्रभु, इसका अर्थ ये नहीं है क्योंकि साइंस गलत है तो सारे धर्म सही हैं, उसका तो ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं हुआ ना, जस्ट बिकॉज साइंस इज रॉन्ग देखो वट एवर आई से इज राइट, दैट्स नॉट द पॉइंट। ऑन वॉट बेसिस वी अंडरस्टैंड वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज ये वेद में लिखा है इसलिए यू हैव टू एक्सेप्ट इट, नो, यू शुड क्वेश्चन, भाई वेद में लिखा है तो जस्ट लिखने से हम कैसे मान लें कि ये सही है। इसलिए मेरा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है क्योंकि साइंस गलत है इसलिए आप मानो कि वेद सही है, दैट इज़ नॉट माई आर्ग्यूमेंट।
आई एम नॉट सेइंग बिकॉज साइंस इज रॉन्ग देयरफॉर वेद इज राइट. नो, वेद सही क्यों है उसका पूरा अपना अलग एक विज्ञान है, उसको बोलते हैं प्रमाण तत्व. हाउ वी वॉट इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं प्रमाण. वॉट इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्चुअली हर आप में से हर व्यक्ति को ये रूट प्रश्न है सबसे पहले. अरे ये बोल रहा है वो सही है कि वो सही है, पहले उससे पहले प्रश्न ये होना चाहिए ऑन वॉट बेसिस वी डिसाइड वॉट इज द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज. सही सोर्स का, नॉलेज का सोर्स है कौन सा, कैसे उसको पता चलाएंगे, पहले वो क्वेश्चन होना चाहिए. तो उसके लिए अदर क्लासेज विल बी टेकन ऑन दिस टॉपिक. हैव नो क्लासेज हैज बीन टेकन ऑन दैट, सम क्लासेज हैव बीन टेकन. सो वो एक अलग चैप्टर है कि वाई वेदास आर ट्रू या ऑन वॉट बेसिस वी डिसाइड एनीथिंग वॉट इज ट्रू. ठीक है, यस, एनीथिंग एल्स, और कोई प्रश्न है किसी का? आपने मतलब अभी लेक्चर में बताया था कि हम लोग फॉसिल्स को सर्च कर रहे थे. हम फॉसिल्स को मतलब सर्च कर रहे थे, तो एब्रप्ट जो आपने वर्ड बोला उसका मतलब क्या होगा? वो हाँ, एब्रप्ट मतलब ऑल ऑफ ए सडन. ऐसा नहीं कि ग्रेजुअल, पहले एक एक स्पीसीज दिख रही है, फिर दो, फिर चार, ऐसा नहीं. एक ही समय में सारी की सारी स्पीसीज के फॉसिल दिख रहे हैं, एक ही समय में, एक ही लेयर में. एक ही लेयर में मछली के भी हैं, रेप्टाइल के भी हैं, ह्यूमन बींग्स के भी हैं, सब एक ही लेयर में, यानी एक ही टाइम, एक ही टाइम के अंदर सारे के सारे मिल रहे हैं, छोटे से टाइम लाइन के अंदर. और उससे पहले बहुत लंबे समय तक कोई भी नहीं है. तो अगर इवोल्यूशन हुआ है तो धीरे 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 बढ़नी चाहिए ना, वो तो इवॉल्व होनी चाहिए ना, एक के बाद एक के बाद. समय अच्छा, अगर मेरी लैंग्वेज मैथमेटिक्स है तो आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्रूव करो तो मैं सही मानूंगा उसको. ठीक है, अगर कोई सिद्धांत है, मान लीजिए लॉ ऑफ बायंसी, ठीक है, लॉ ऑफ बायंसी रिलेट्स टू वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम एंड इट लाइक दैट. सो इट इज़ इन रेफरेंस टू लिक्विड थिंग्स. ठीक है, अभी कोई मुझसे पूछे भाई देखो मैं तो ये बायंसी लॉ को ही मानता हूँ, अभी आप पत्थर जो है इसको मुझे बायंसी लॉ में एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि इट इज़ रेफरिंग टू कम्प्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ थिंग्स. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हर चीज़ को आप मैथमेटिक्स की भाषा में दिखाओ, इसका मतलब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, दैट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, एग्जिस्टेंस फॉलोज लॉज ऑफ मैथमेटिक्स, करेक्ट, ये हम कह रहे हैं. तो ये कैसे सही है ये एजम्पशन? हाँ, ये assumptions को लेके चल रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स हर चीज़ का एक फार्मूला होना चाहिए, यानी कि एवरीथिंग इज़ लॉजिकल, मैथमेटिक्स इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक. इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, हर चीज़ लॉजिकल है. ठीक है, अभी मेरा प्रश्न है ये लैपटॉप का रंग काला क्यों है? एक्सप्लेन इन मैथमेटिकल टर्म्स. क्या कह रहे हैं आप? क्या बोली तेज़ बोली, क्या लॉजिक है? Why this लैपटॉप इज ब्लैक एंड why अनदर लैपटॉप इज वाइट? अरे वो तो प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए. I have made one black and I have made one white. अब आप बताइए कि ये लैपटॉप ब्लैक क्यों बनाया गया? मैं ये नहीं पूछ रहा कि ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है, आई एम आस्किंग कि ये ब्लैक और ये वाइट या ग्रीन या वट एवर कलर, वो कलर का, या छोड़िए ये कलर छोड़िए, मेरे पास ये पेन है, एनी पेन, ये पेन जो है पाँच इंच का है, छः इंच का क्यों नहीं है? मैथमेटिकल लॉ से प्रूव कीजिए वाई इट इज़ फाइव एंड नॉट सिक्स.
छह के ही पेन है नहीं है, पर यही पांच का क्यों है? इसका मतलब कोई ऐसा, इसका कोई लॉ नहीं है मैथमेटिकल लॉ की, मैथमेटिकल लॉ की वजह से ये पांच इंच का ही है। इट इज द चॉइस ऑफ द डिजाइनर, जिस व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया है उसकी चॉइस है, उसको उसको पांच इंच वाला ठीक रहेगा, हाथ में आ जाता है, ठीक है बना दिया पांच इंच का, तो इट्स अ फ्री विल, तो उसका कौन सा लॉ लगाएंगे आप? एक्सप्लेन करो मैथमेटिकल लॉ में, फॉर्मूला बताओ मेरे को, व्हाई ओनली फाइव इंचेस, व्हाई नॉट सिक्स इंचेस? सो यू आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है? यस, मुझे मेरा प्रश्न गीता को लेकर है, जैसे गीता में भगवान बहुत सारे श्लोक के माध्यम से संदेश दिया और अभी देखता हूँ तो बहुत सारे लोगों ने उसे अपने अपने हिसाब से मतलब निकालने के लिए प्रयास किया, जैसे मैं अलग अलग लोगों का जो अर्थ निकाल कर अपने अपने तर्क से समझाने का प्रयास करते हैं, जिनका सुनता हूँ उनका सही लगता रहता है, जैसे आप बता रहे तो आपका भी सही लगेगा, फिर कभी जितना मैं किसी और का सुनता जिनका भी सही लगेगा, इसमें से मैं कैसे समझूँ कि कौन सही है? सबका बात सही, क्योंकि लोग कुछ भी समझाते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर समझाते हैं, प्रश्न ये है कि भगवद्गीता में जब पढ़ता हूँ तो सब लोग अपने भी तरह समझाते हैं और जो भी समझाते हैं मुझे सही लगता है, तो मैं कैसे समझूंगी कौन सही है? सब सही हैं, कोई भी सही नहीं है, क्या समझूं मैं, है ना ये प्रश्न? अभी आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक थर्ड व्यक्ति वहाँ आया और मैंने कुछ सुना आपकी बात, बात कर रहे हैं अभी, मैं आपकी बात एक सेंटेंस सुना मैंने, है ना, और सुन करके मैंने, और मुझे हिंदी भी नहीं आती, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, मुझे फ्रेंच आती है, ठीक है, और मैं आकर के आपकी बात सुना और मैंने अपना उसमें से एक मतलब बताया कि इसका ये मतलब है, ये शायद ये कह रहे हैं। एक और आदमी आया सुनने के लिए, चाहे भले उसको हिंदी भी आती हो, ठीक है, आपकी बात, आपने आज एक व्यक्ति को कुछ बोली कि ऐसा कभी मत करना कि तुम हाथ पैर धो, फॉर एग्जांपल, अभी उसने, तीसरे व्यक्ति ने कहा भाई उसने ये बताया कि कभी हाथ पैर नहीं धोने चाहिए, ठीक है, अभी आपका मित्र आपके साथ रहता है बहुत समय से, वो आपके हृदय को जानता है, वो बहुत चीज़ आपके बारे में जानता है, आप क्या बोल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट जानता है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो जब आपने उसको बोला हाथ पैर कभी मत धोना, तो वो आपकी बात को एक समझ रहा है प्रकार से, है ना, कम्युनिकेट हो रहा है उससे, है ना, और फिर आप भी जान रहे हैं उसके चरित्र को, आपके साथ वो रहा है कि क्या वो समझ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। अभी मैं और वो तीसरा व्यक्ति अजनबी हैं, हमें पता नहीं आपस में क्या बात कर रहे हैं, अभी हम दोनों अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे कि कभी हाथ में, उसने ऐसा बोला कि कभी हाथ धोने ही चाहिए, ये उसका मतलब था कहने का, समझे? तो अभी वो दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं कि क्योंकि अपने अपने हिसाब से जिसने जो समझा वो सही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जो अपने मित्र से बात कर रहे हैं आपका स्पेसिफिक मतलब था आपके सेंटेंस का, ऐसा नहीं था कि मैं फ्री हूँ अपने आप से अपना एक मतलब निकालने के लिए, बोलने के लिए यही आपका मतलब था, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपका एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग था आपके सेंटेंस का जो कम्युनिकेट किया। तो अभी पहला तो ये जो आपकी बात है कि सब लोग अपने अपने अर्थ निकाल रहे हैं, तो क्या सभी अच्छे लगते हैं, तो क्या सभी सही हैं? तो सभी सही तो हो नहीं सकते, इसका मतलब तो अपना कोई अर्थ रह ही नहीं गया। आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ के कोई अपना अपना मतलब निकाल ले तो चलेगा, आप अपनी बुक्स के अंदर मेडिकल की बुक है तो उसको पढ़ करके अपना अपना मतलब निकाल लें और ऑपरेशन करने बैठ जाएं, तो हो गया कल्याण उसका, तो बेचारे पेशेंट का, बोलेगा भाई मैं तो बुक पढ़ के यही निकाला था कि ये जो है अपेंडिक्स को जो है ऐसे करके काटना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, तो नहीं। कैसे काम होता है कि एक साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए कॉलेज है ना, वहाँ पर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका है मेडिसिन की बुक को पढ़ करके एग्जैक्टली वैसा करने का। आप देखो कितने लोग मेडिसिन बुक पढ़ते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कम्युनिकेशन होता है ना,
और वो सालों साल चला रहा है वो कम्युनिकेशन। तो दो चीज़ सामने आई, एक तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी कुछ भी सोच ले अपने आप मन से बना ले और वो सही हो जाएगा, ये तरीका तो कहीं लॉजिकल भी नहीं है, किसी फील्ड में ऐसा नहीं हुआ। तो इतने बड़े फील्ड में कैसा हो जाएगा, साइंस जो इतनी बड़ी साइंस है, इतना गहरा विज्ञान है, उसमें कैसे ये सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोई तरीका हो ही नहीं सकता है जिससे कि हम पता चला सकें कि एग्जैक्टली वो क्या कहा है उन्होंने, क्या उनका आशय था, है ना, क्योंकि देयर इज़ अ वे हाउ टू कम्युनिकेट। तो ये एक पूरा अपने आप में विज्ञान है, हाउ द नॉलेज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू अनदर टू अनदर इंटैक्ट। और जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है वो तो हजारों हजार साल चला रहा है, ठीक है। तो आज अलग अलग मतलब हम निकाल रहे हैं उसके कुछ समय से, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो भी हमारे वैदिक समय के आचार्य हुए हैं निकाय, वो सब एक ही मतलब समझते आए हैं हजारों लाखों सालों से, ठीक है। तभी एक वैदिक कल्चर थी, एक कल्चर, उसका ये अर्थ है, सब उसको उसी प्रकार समझते आए हैं परंपरा से। लेकिन आज जो आधुनिक समय आया है उसमें वो वेदों को समझने का तरीका ही हमको नहीं पता है, इसलिए हम आज अपने फ्री अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन पहले रिगरस ट्रेनिंग होती थी, इसलिए भगवद्गीता में क्या कहा गया, तद विद्धि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है न सेवा। भगवद्गीता या शास्त्र को समझने के लिए क्या करना होगा, गुरु परंपरा में गुरु के पास जाना होगा। गुरु तो गुरु शिष्य एक परंपरा के अंतर्गत ये ज्ञान समझा जाता है, ये बुक खोल करके इंडिपेंडेंटली पढ़ करके अपना अपना अर्थ बनाने से ये ज्ञान नहीं आता है। 5000 साल पहले तक तो रिटन फॉर्म नहीं था, रिटन फॉर्म की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं था, लोगों की मेमोरी थी, बताया जाता था। अभी एक गुरु जो है ये ज्ञान उसको देता था, जो उसके लिए योग्य है वो उसको पाता था, उसको देता था, है ना, क्योंकि ये ज्ञान को समझने के लिए योग्यता चाहिए। मेडिसिन के लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कोई भी आदमी को बैठा करके मेडिसिन की बुक पढ़ाने लगते हैं। तो इसी तरीके से इस वैदिक ज्ञान को समझने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन पहले चाहिए समझने वाले के अंदर, हाँ बहुत, उसके वो जो गुण हैं वो गुण होने से पहले तो उसकी बेसिक योग्यता आएगी कि उसको समझ पाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उसको समझ लेगा, पहले तो शिष्य की क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड है शास्त्रों में कि कौन समझ पाएगा, ठीक है। फिर गुरु की क्वालिफिकेशन है कि कौन वास्तव में गुरु है, ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति अपने को गुरु बना दे, उसके भी सिम्टम्स हैं क्लियर कट। तो दोनों के सिम्टम्स हैं, वो दोनों उस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। फिर उसके बाद प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर बहुत आधारभूत है सेंस कंट्रोल, क्योंकि ये ज्ञान के अंदर आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है, है ना, पाव भाजी भी खा रहे हैं और कोको कोला और ये सब कर रहे हैं और कुछ भी सेक्स इलिसिट सेक्स एंड दिस एंड दैट एंड बीड़ी है हाथ में और उपनिषद खोल के इट हैपेंस। मैं गया एक संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमने कहा कि सर वो भगवद गीता हम लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वैसे वो बैठे थे अपना पी रहे थे बीड़ी, बोले अच्छा हम भी तो उपनिषद में PhD हैं भाई। अच्छा, तो ऐसे करके PhD आप हो गए, आपने कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो ज्ञान का तरीका ही नहीं है वो लेने का। तो ऐसे साइंस इसको भगवद्गीता को समझने के लिए एक तरीका है, सबसे पहले सिंपल एक उस तरीके का एक अंश है। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं किसी से, अगर मुझे समझना है कि आप क्या कह रहे हैं, पहले मुझे हिंदी तो आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी के अंदर भी मान लीजिए आप हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग का आप स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग कैसे हुआ है, तो मुझे स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के बारे में पहले सीखना पड़ेगा ना आपकी कन्वर्सेशन के अर्थ को समझने के लिए, करेक्ट। तो उसी प्रकार से वेदों को समझने के लिए पहले वो जो पूरा बेसिक कॉन्टेक्स्ट है, उस ज्ञान की जो आधारभूत टर्मिनोलॉजी है, उस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा, है ना। फिर उस चीज़ का जो स्टैंडर्ड तरीके से आज तक उसका जो उपयोग होता है, जैसे आपकी स्ट्रक्चर की किताबें हैं उसमें जब मान लीजिए ये आता है कि प्रेशर अगर इतना वेट है, इतना किलोग्राम का पर स्क्वायर फिट पे वेट है, तो उसके लिए इतना, तो वो जो टर्मिनोलॉजी है पर स्क्वायर फिट किसे कहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सच्ची पहले मुझे पता होनी चाहिए, देन आई विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन।
तो उसी प्रकार से वेदों को समझने के लिए पहले जो वैदिक का तरीका है फाउंडेशन की, किसे क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी, परम आत्मा ब्रह्मन, ये सब टेक्निकल वर्ड है ना, इसका अर्थ क्या है, इट इज देयर आर डिक्शनरी, इनका अर्थ ये है, निरुक्ता बोलते हैं उसको, निरुक्ता डिक्शनरी जो है संस्कृत की उस। तो अभी जब आप उसको, जब अब स्टेटमेंट हुआ, आपने उसकी बेसिक लैंग्वेज को जानते हैं आप, उस टर्मिनोलॉजी को जानते हैं आप, उसकी डेफिनेशन, तो अभी सेंटेंस के अंदर एक नियम है, जो डायरेक्ट मीनिंग है वो लेना है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं मुझे एक ग्लास पानी दीजिए, अभी आप हिंदी जानते हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ एक ग्लास पानी दीजिए, ग्लास का अर्थ क्या है वो आपने अपनी माँ से सीखा है, ग्लास बेटे इसको ग्लास कहते हैं, ठीक है। अगर आपने माँ से सीखा ही नहीं कि ग्लास किसे कहते हैं, तो आप मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे मैं क्या मांग रहा हूँ, आप मुझे मटका भर के लेके आएंगे। लेकिन आपने पहले से जाना है कि मटका इसे कहते हैं, ग्लास इसको कहते हैं, ठीक है। तो अभी जब मैं आपको बोलूँगा ग्लास, एक ग्लास पानी लेके आओ, तो अभी आप इसका सीधा सीधा मतलब जो डिक्शनरी में है, ग्लास का मतलब ये है, एक का मतलब ये है, लेके आओ का मतलब ये है, उससे सेंटेंस का एक डायरेक्ट मतलब निकलेगा, ठीक है। अब उसकी जगह दूसरा आदमी बोले ग्लास का मतलब एक ऐसा संसार जिसमें हर चीज़ समाई हुई है, ठीक है। तो अभी वो ऐसा एक उसका सोच करके एक इंटरप्रिटेशन करे, और मुझे आपने ग्लास मांगा था, मैं तो हर जगह ग्लास ही देख रहा हूँ, सब ग्लास ही ग्लास है, संसार ही ग्लास है, तो मैं भी प्यासा रह गया। तो उसने उसका एक अर्थ घटन कर दिया विदाउट टेकिंग द डायरेक्ट मीनिंग। तो डायरेक्ट मीनिंग लो ना, आप अलग उल्टा सीधा मतलब क्यों निकाल रहे हो उसका, मतलब डायरेक्ट मीनिंग इज क्लियर, अलग मतलब कब निकालना पड़ेगा, ये शास्त्र में सब दिया हुआ है, अर्थ ऐसे निकलते हैं शास्त्र के, अर्थ कैसे हैं, इसको बोलते हैं एक्सोजेसिस, हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेदास या एनी स्क्रिप्चर। तो एक होता है प्राथमिक अर्थ, एक होता है गौण अर्थ, डायरेक्ट मीनिंग इनडायरेक्ट मीनिंग। व्हेन डायरेक्ट मीनिंग इज क्लियर यू हैव टू एक्सेप्ट डायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग कब जरूरत पड़ती है, व्हेन डायरेक्ट मीनिंग डजंट मेक सेंस। जैसे एक अगर स्टेटमेंट है नदी पर गांव था, तो अभी नदी पर गांव था इसका डायरेक्ट मीनिंग जो है आप देखेंगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस, नदी पर गांव था, तैर रहा था गांव, तो इसलिए वहां पर उसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग निकालनी पड़ी कि भाई स्टेटमेंट का मतलब ये रहा होगा नदी के तट पर गांव था, यहां इंटरप्रेट करनी जरूरत पड़ी, जहां सीधा सीधा अर्थ है वहां क्यों इंटरप्रेट करेंगे। तो अभी भगवद गीता में पहला है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे, अभी संस्कृत एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है संस्कृत भाषा, उसके नियम है संस्कृत सीखने के। धर्म क्षेत्रे, क्षेत्रे ए, ये कौन सी विभक्ति है, ये जो है षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है में, टेक्निकल। तो इसका अर्थ है धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में, तो उसका डायरेक्ट में निकल रहा है धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मामकाः, मेरे पांडु के पुत्रों ने मिल करके किम अकुर्वत क्या किया संजय। अभी डायरेक्ट में लेना चाहिए इसका। अभी जो गीताकार आप बता रहे हैं अलग अलग लिख रहे हैं, अभी जाकर के आप उनका पढ़िए, वो क्या बोलेंगे, धर्म क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर। क्यों भाई, धर्म क्षेत्र जो पहले डायरेक्ट मीनिंग है, शास्त्रों में कब से बताया गया है कि कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जय का नाम है ना, आज भी है कुरुक्षेत्र का जय का नाम, और उससे पहले से भी था, महाभारत के लिखने से पहले से, मत्स्य पुराण में उसका वर्णन पहले से, बहुत पहले से। लेकिन अभी इन लोगों को क्या है, इनको कुछ नया नहीं, क्योंकि जब तक नया मीन नहीं निकालेंगे तब तक उनका कौन सुनेगा, उनको अपनी अपनी बात बोलनी है भगवद गीता का यूज करके, इसके वो उसका डायरेक्ट मीन लेते हैं। जब आया पांडव, पांच पांडव, तो लोग क्या बोलते हैं, पांच पांडव, दिमाग लगाते हैं, पांच पांडव का मतलब होना चाहिए हमारी पांच इंद्रियां, ऐसे करके हर चीज को रूपक, हर चीज को एक एनालॉजी लेकर के हर चीज को ऐसे, तो पांच तो बहुत सारी चीज हो सकती हैं, पांच इंद्रिय ही हो सकती हैं, पांच तो मेरी पांच गाय है, मेरे पांच घर हैं, मेरी पांच लाठी है, जूते हैं, बहुत सारी पांच हो सकती हैं। तो अभी एक आदमी बोलेगा पांच इंद्रियां, एक बोलेगा पांच ये, एक बोलेगा पांच वो, हो गए अलग अलग भगवद गीता पांच। तो ऐसे आप समझेंगे, कैसे समझेंगे, डायरेक्ट मीनिंग।
और दूसरी चीज उस व्यक्ति से सुनना है जो गुरु शिष्य परंपरा में रिगरस ट्रेनिंग के अंदर आया हो, जो परंपरा एक के बाद एक पूरा कनेक्शन जहाँ तक हो कृष्ण से, वो परंपरा में आके उस व्यक्ति से सुनना पड़ेगा और उसका जीवन आपको देखना पड़ेगा, वो रह रहा है उस प्रकार से, नहीं रह रहा, ये सब चीज़ें। तो ये एक और विस्तृत क्लास है विच विल बी डिस्कस्ड, हाउ टू एक्सेप्ट, आपका जो प्रश्न है ब्रीफ में मैंने बताया और उसके डिटेल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसकी वजह से लोग बहुत कन्फ्यूज हैं, वेदों का कोई मतलब ही नहीं रह गया, सब अपनी अपनी व्याख्या की जा रहे हैं। तो इसका मतलब है, अरे जो आपको अच्छा लगा, अभी थ्योरी क्या आ गई है, वेदों का मतलब जैसा मतलब जो आपको सूट करे वो मतलब। इसलिए आज भगवद गीता फॉर बिजनेसमैन, भगवद गीता फॉर दिस, पैसा बनाने के लिए भगवद गीता, मैनेजमेंट करने के लिए भगवद गीता, भगवद गीता का जो वास्तविक उद्देश्य था वो तो कोई जान ही नहीं रहा है, अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं, सो दैट इज नॉट क्लियर। ठीक है, ओके, सो वी शैल एंड हियर। सॉरी हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय।